मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर बेन का ब्रेकअप देखते हैं। जिस लड़की से उसका ब्रेकअप हो रहा था, सूजी उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी। उसके साथ बिताए हर पल उसे याद आ रहे थे। वो सोचता है कि उसका ब्रेकअप हुआ कैसे, एक पल में तो एक साथ है और एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे थे, और नेक्स्ट वीक सूजी किसी और के साथ थी, शायद उसको भी आई लव यू बोल रही होगी। इसका कोई भी मीनिंग नहीं। बेन के फ्रेंड का नाम था सॉन, उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे सिर्फ एक बेटर ऑप्शन मिल गया, इसी वजह से उसके पास वो चली गई। उसके बारे में तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, तुम किसी ब्यूटीफुल सी लड़की को डेट करो, फिर सूजी को जेलस लगेगा और तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। सोन का लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही घटिया था, हर लड़की उसे मारकर चली जाती थी, तो उसकी एडवाइस बेन नहीं ले सकता। सोन आर्टिस्ट बनना चाहता है, उसकी ड्रॉइंग क्लास होती थी तो हमेशा लड़कियों को ड्रॉ करता था, हमेशा उसे सूजी की याद आती रहती थी। एक रात उसने उसे कॉल किया, उससे पूछा कि क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं। सूजी ने उसे मना कर दिया, वो दिन रात बेड में पड़ा रहता था। सूजी के जाने के बाद जैसे उसका ऑक्सीजन चला गया था, स्लोली स्लोली उसकी नींद भी चली गई। उसने सोने का बहुत ट्राई किया पर फिर भी वो नहीं कर पाया। अब उसके पास 8 एक्स्ट्रा आवर थे, वो अलग अलग चीजें ट्राई करता था फिर भी टाइम पास नहीं होता था। वो कुछ भी करे सूजी की याद हमेशा उसके साथ रहती थी। एक रात वो ग्रोसरी के लिए गया हुआ था, वो नोटिस देता है तो उन्हें काम करने के लिए स्टाफ की जरूरत थी। बेन को नींद नहीं आती थी, 8 एक्स्ट्रा घंटे बिताने के लिए यहाँ पर वो जॉब कर लेता है। वहाँ की जब मैनेजर को उसने देखा तो मैनेजर पहले फुटबॉल का प्लेयर हुआ करता था, अब यहाँ का मैनेजर है। ये देखकर बेन रियलाइज करता है कि लाइफ इसी तरीके से बहुत फास्ट गुजर जाएगी और इसके लिए वो कुछ कर भी नहीं सकता। बेन के साथ एक लड़की काम करती थी, उसका नाम था सैरन। उसने नोटिस किया कि उसका मैनेजर सैरन के साथ बहुत ही अजीब तरीके से पेश आता है। सैरन को यह बात अनकंफर्टेबल लगती है। अपना जॉब करते हुए बेन उससे कहा कि सुपरमार्केट में टाइम बहुत ही स्लोली जाता है, इसको जरा फास्ट करने के लिए हम इम्प्लॉयज अलग अलग चीजें करते हैं, हर एक के अलग अलग मेथड है। जैसे सैरन कभी भी टाइम नहीं देखती, जब वो वॉच देखती है तो टाइम बहुत ही स्लो गुजरता है, इस वजह से हमेशा उसे कवर अप करके रखती है। यहाँ काम करने वाले उसकी और दो फ्रेंड्स हैं, बैरी और मैट। ये हमेशा एक दूसरे के साथ गेम खेलते रहते थे, ये कभी शॉपिंग मॉल में रेस लगाते हैं तो कभी लड़कियों के सामान में कुछ अलग सी चीजें रख देते हैं। इसी तरीके से हर कोई टाइम पास कर रहा था। तब बेन कहता है कि मेरा तरीका कुछ अलग ही है। जब उसका ब्रेकअप हुआ उसके लिए टाइम गुजरना बहुत ही हार्ड था, एक सुपर पावर उसमें आ गई। ये सुपर पावर भी टाइम को स्टॉप कर पाने की पावर, वो सब कुछ स्टॉप कर देता और सारी चीजें घूमने लग जाता। सुपर मार्केट की सारी ब्यूटीफुल लड़कियों को नोटिस करता था, उसे लगता है कि लड़कियों में अलग सी पावर होती है। वो जब छोटा था तो एक फॉरेन स्टूडेंट उनके घर में रहने के लिए आई थी और वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, वो हमेशा उसे देखता रहता था। बेन जब टाइम स्टॉप करता था तो हमेशा लड़कियों की न्यू ड्राइंग करता था। उसने एक नॉवल में पढ़ा था कि लड़कियों को पेंटर के साथ अफेयर करना अच्छा लगता है क्योंकि उनकी ब्यूटी जैसी है वो वैसे ही देख सकते हैं। वैसे ही बेन ड्राइंग करते हुए अपना टाइम गुजारता था और जब अनपॉज करता तो बहुत सारा टाइम गुजर जाता था। अगले दिन बेन से मिलने के लिए उसका फ्रेंड सोन आया। सोन को पता था कि अब ये बेन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है, तुम्हें जल्द से मूव ऑन करना चाहिए। सोन से यही बात कहता रहता तो इस मोमेंट को भी वो स्टॉप कर देता है। एक्चुअल में बेन और सोन बचपन से बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। जब सोन की मदर घर से चली जाती तो दोनों मिलकर न्यूड मैगजीन देखते थे। एक दिन जब ये दोनों देख रहे थे, सोन की मदर वापस आ गई। वो इन दोनों को फ्रेंडशिप को अलग ही समझती थी। सोन बेन से कहता है तुम्हें स्ट्रिप क्लब वगैरह मेरे साथ चलना चाहिए। ये सुनकर बेन को अपने बचपन का एक किस्सा याद आता है। उनके स्टेट पर एक लड़की थी जो पैसों के लिए न्यूड होती थी। ये सारे फ्रेंड्स लाइन लगाकर उसे मिलने के लिए जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन बेन और सैरन की नजरों से नजरें मिली थी लॉकर रूम में। सैरन को जरा भूख लगी थी तो बेन का सैंडविच मांग लेती है। सैंडविच का पिकल सैरन के गाल पर लग गया था, जैसे कि बॉलीवुड मूवीज में होता है। वैसे एक रोमांटिक सा इनका मोमेंट हुआ। ये मोमेंट बेन जाने नहीं देना चाहता था, उसे फ्रीज कर रखना चाहता था, पर सैरन चली गई। वो कुछ भी कर नहीं पाया। उसे अच्छा लग रहा था कि सूजी से मूव ऑन करके अब वो सैरन को लाइक करने लग गया। तब उसके फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे। मैट कहता है कि आज मैंने सैरन को डेट के लिए पूछा। मैट इसके लिए बहुत एक्साइटेड था। बेन को बहुत बुरा लगता है। बेन ये सोचता है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसी चीजें होती रहती है, वो जिसको भी लाइक करता उसे दूर चले जाते हैं। वो जब छोटा था
तो अपने टीचर को लाइक करता था। टीचर के साथ कुछ भी हो नहीं सकता। उसकी और एक क्लासमेट थी जिसको बहुत लाइक करता था। एक दिन उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। उसके प्लास्टर पर हर कोई ग्रेफिटी बनाता था। बेन हमेशा उसे देखता रहता था, तो उस लड़की ने उसे अप्रोच किया, तो बेन ने भी अपनी सिग्नेचर उस प्लास्टर पर बनाए। जब उस लड़की का प्लास्टर निकला तो उसका पूरा हाथ हेयर से भर गया था। सब लोग उसे चिढ़ाने लग गए। अकेली पड़ गई थी तो बेन उसके पास आकर बैठा, कहा कि तुम जैसी हो वैसे ब्यूटीफुल हो। इसके बाद ही वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए थे। एक दिन बेन ने उसे स्कूल के पीछे बुलाया। वो उसके पास आई और पूछती है, क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? बेन कहता है कि हाँ, पर कल तुम मुझे यहाँ मिलना। कल स्कूल में कोई भी नहीं होता, कल हॉलीडे था तो उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। अगले दिन बेन ने उसका बहुत वेट किया पर वो आई ही नहीं। बाद में उसे पता चला कि उस लड़की का ट्रांसफर हो गया है। बेन और सोन बात कर रहे थे। बेन ने सैरन के बारे में सोन को बताया और वो ये भी कहता है कि मैट और सैरन आज मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं। सोन ने कहा कि वो सिर्फ एज अ फ्रेंड मूवी देखने के लिए जा रहे होंगे, उनके बीच में कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं है। जब नेक्स्ट डे बेन काम पर जाता है तो मैट अपने फ्रेंड से सैरन के बारे में बात कर रहा था। वो बता रहा था कि वो और सैरन कल रात इंटीमेट हुए। बेन का दिल टूट जाता है। इसी मोमेंट पर उनका मैनेजर उनके पास आता है और कहता है, मेरे एक ओल्ड फ्रेंड के साथ मैंने बेट लगाई थी, उसकी टीम के साथ हम सबको मिलकर फुटबॉल खेलना है। इस फुटबॉल मैच पर मैट को सपोर्ट करने के लिए सैरन भी आई हुई थी। इनमें से किसी को भी फुटबॉल खेलना आता नहीं था, तो बहुत ही बुरी तरीके से हार रहे थे। अपोजिट टीम के 26 गोल हो गए थे, उनके 0 ही थे। बेन को बोर होने लग जाता है। टाइम को फिर से उसने स्टॉप कर दिया। बेन हमसे कहता है, मुझे हमेशा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सेफ लगता है, कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कैफेटी एरिया में गया तो अचानक से उसे कुछ आवाज आई। वो आसपास देखने लग जाता है। एक आदमी अनफ्रीज होकर वहाँ से भाग गया। बेन सिर्फ अकेले नहीं है जो टाइम स्टॉप करके घूम फिर सकता था। घूम फिर कर बेन फिर से मैच में वापस आया। इनका लास्ट गोल था तो मैट ने जोर से फुटबॉल को किक किया तो मैनेजर के नाक को तोड़ देता है। उसे वो हॉस्पिटल लेकर गया। वो बेन को कहकर जाता है कि सैरन को घर छोड़ देना। बेन और सैरन फिर कॉफी के लिए आए। बेन सैरन से पूछता है कि क्या तुम और मैट डेट कर रहे हो? सैरन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एज अ फ्रेंड मूवी देखने के लिए गए हुए थे। बेन को ये बात सुनकर अच्छा लगा। सैरन का एक बॉयफ्रेंड था, उसे ब्रेकअप किए हुए उसे 6 महीने गुजर चुके हैं। बेन भी अपने ब्रेकअप के बारे में उसे बताता है। एक दूसरे को और भी जान लेते हैं। सैरन ने उससे कहा कि नाइट में स्पेनिश सीखती हूँ, उसे अलग अलग प्लेसेस घूमना है, वहाँ के लोगों के बारे में जानना है। स्पेनिश सीखने के बाद शायद वो स्पेन में जाकर वहाँ टीच करेगी। उसे साउथ अमेरिका बहुत अच्छा लगता है तो वहाँ पर भी वो जाना चाहती थी। वो बेन को उसके ड्रीम्स के बारे में पूछती है। बेन ने कहा कि मुझे ड्रॉ करना बहुत अच्छा लगता है, शायद एक दिन उसकी भी आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन होगा। सैरन ने कहा कि मैं हमेशा एक आर्टिस्ट से मिलना चाहती थी, वो वर्ल्ड की किसी भी चीज में ब्यूटी देख सकते हैं। ये बात सैरन को बेन की बहुत अच्छी लगी। बेन ने सैरन को घर पर छोड़ दिया। ये दोनों किस करने वाले थे पर ये सही से हो नहीं पाया। अगले दिन मैनेजर ने अनाउंस किया कि उसका बर्थडे आने वाला है तो सबको उसके घर पर पार्टी के लिए आना पड़ेगा। सैरन फिर बेन से पूछती है, क्या उस रात तुम मेरे साथ चलोगे? बेन इसके लिए हाँ करता है। इन दोनों की ये ऑफिशियल डेट थी। मैनेजर ने बेन को बुलाया, कहा कि बर्थडे पर एक सरप्राइज स्ट्रिपर भी होनी चाहिए, इसका इंतजाम तुम करोगे। बेन को पता नहीं था कि वो कैसे करेगा और वो सोन की हेल्प लेता है। सोन की इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है। उसे वो एक पब में वो लेकर गया। वो एक लड़की से बात करता है तो लड़की ने कहा कि मैं उस रात बहुत ही बिजी हूँ, मेरी एक फ्रेंड को वहाँ पर मैं भेज दूंगी। कल रात के बाद बेन को हर जगह पर सैरन ही दिख रही थी। वो टाइम स्टॉप करके वो हमेशा उसे ड्रॉ ही करता। ऐसे कुछ दिन बीत गए और कल मैनेजर का बर्थडे था। सैरन बेन से पूछती है, क्या तुम अब भी मेरे साथ डेट पर चलना चाहते हो? बेन कहता है कि ऑफ कोर्स चलना चाहता हूँ। जाते वक्त सैरन बेन को प्रॉपरली किस करके गई। इतने दिन तक बेन को नींद नहीं आई थी पर आज रात वो बहुत सोया। उठने के बाद उसे एक आर्ट गैलरी से कॉल आता है। बेन की पिक्चर्स उन्हें बहुत अच्छे लगे थे और मिलने के लिए बुलाया था। बेन इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। उसकी फ्रेंड मैट और बैरी उसका मजा ले रहे थे। रात में वो बहुत ही अच्छे से रेडी होकर सैरन के पास पहुंचा तो सैरन को आर्ट की गुड न्यूज बता देता है। उसे भी बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों फिर पार्टी में आए और फिर बेन यहाँ पर सूजी को देखता है। पार्टी में इन्होंने ऑर्डर की हुई स्ट्रिपर भी आई हुई थी। ये वही स्ट्रिपर थी जो सोन और बेन बचपन में देखने के लिए जाया करते थे। सोन के का फायदा उठाकर उसे डेट के लिए पूछ लेता है। सोन हमेशा से लड़कियों से गलत चीजें बोलता था। ये लड़की उसे बचपन से जानती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं।
नहीं आएगा, शायद उसकी भी लव स्टोरी आज से स्टार्ट हो जाएगी। पार्टी में बेन जरा वॉशरूम के लिए जाता है तो वहाँ पर सूजी भी थी, तो सूजी को बेन को सैरन के साथ देखकर जरा बुरा लगा था। वो रियलाइज करती है कि बेन उसके लिए परफेक्ट था, उसे फिर से पाना चाहती थी। बेन उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इसके पैरेलल में हम देख सकते हैं मैनेजर सैरन से बात करने लग गया, उसे हरास करने लग जाता है, तो सैरन इस पर गुस्सा होकर यहाँ से निकलने लग गए। उसने जब ऊपर बेन और सूजी को देखा तो उसी मोमेंट पर सूजी बेन को किस कर रही थी। अगली मोमेंट पर बेन ने उसे झटक दिया था, पर सैरन ने देखा नहीं, वो गुस्से में यहाँ से चली गई। बेन रियलाइज करता है कि सैरन को क्या लगा होगा, उसने टाइम को स्टॉप कर दिया। उसने सोचा कि सैरन को क्या बताएगा, पर कुछ भी वो सोच नहीं पाता। ऐसे उसने 2 दिन तक टाइम को स्टॉप करके रखा था। अनपॉज करने के बाद भी वो सैरन को मना नहीं पाता। उससे मिलने के लिए गया, पर सैरन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। उसे फिर से नींद आना बंद हो जाता है। जैसे हमने पहले देखा था कि बेन के फ्रेंड ने उसे प्रैंक कॉल कर एक आर्ट गैलरी में मिलने के लिए बुलाया हुआ है, तो बेन एक्चुअल में अपना सब आर्ट लेकर उस आर्ट गैलरी में चला जाता है। वहाँ के एजेंट से उसने बात की तो उसकी कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं थी, पर एजेंट उसकी ड्राइंग देख लेता है। उसे ड्राइंग बहुत पसंद आई, वो बेन को अपॉर्चुनिटी देते हैं और अब उसका एक आर्ट शो होने वाला था। इसका इनविटेशन बेन सैरन को देकर आता है। इस एग्जीबिशन में सैरन की बेन ने जो भी ड्राइंग बनाई थी सिर्फ यही लगाए हुए थे। ये सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल था। बेन से एक आर्ट के एजेंट बात करने लगी और वो कहती है मुझे तुम्हारी ड्राइंग बहुत ही पसंद आई। वो न्यूयॉर्क से थी, वो उसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकती थी। बात करते हुए बेन ने नोटिस किया कि सैरन भी ये शो देखने के लिए आई हुई है। ये आर्ट एजेंट उसे पूछ रही थी कि तुम फ्यूचर में तुम क्या करना चाहोगे। बेन कहता है कि मुझे साउथ अमेरिका में जाकर ट्रेवल करके ड्राइंग करनी है। एक्चुअल में ये सैरन का ड्रीम था, उसे साउथ अमेरिका में ट्रेवल करना है, तो बेन भी उसी के साथ ट्रेवल करके ड्रॉ करना चाहता था। सैरन उसकी सारी ड्रॉइंग्स देखकर बेन को माफ कर देती है। बेन फिर से उसे सॉरी कहता है, पर सैरन ने कहा कि पेंटिंग देखकर मैं सब कुछ समझ गई हूँ। बेन ने पूछा कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। सैरन ने कहा कि हाँ करती हूँ। सैरन को उसने आंख बंद करने के लिए कहा, वो उसे किस करता है और उसी मोमेंट पर उसने टाइम को स्टॉप कर दिया। अब जब टाइम स्टॉप हो गया था तो बेन के साथ सैरन भी आसपास घूम सकती थी। बाहर स्नो गिर रहा था तो सैरन को बेन बाहर लेकर आया, इसी में वो किस करते हैं और इसी के साथ इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। बेन उससे कहता है लाइफ में बहुत सारे मोमेंट होते हैं जो ऐसे ही चले जाते हैं, और अगर आपको लाइफ की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना है, किसी के प्यार में पड़ना है, तो एक बार जरा रुक जाओ, इस मोमेंट को अप्रिशिएट करो, कभी भी उन्हें जाने मत दो। तो इसी ब्यूटीफुल मैसेज के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।